नमस्कार, इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जहां पर आपको बताना चाहेंगे युवा राजपूत सभा के सदस्य और जिस तरह से सांबा के लोग सांबा में भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्हीं में से एक युवा जो है इस समय उनकी हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें रेफर किया गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इस समय यहाँ पर सदस्य जो है युवा राजपूत सभा के यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या हुआ। जी, एक हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जो हंगर स्ट्राइक पे पिछले 5-6 दिन से बैठे हुए हैं, वो उनकी तबीयत, दो बंदे लड़कों की तबीयत खराब हुई, एक सांबा में है, ये ज़्यादा थोड़ा बीमार हो गए इसलिए इनको यहाँ पे रेफर किया गया, अभी डॉक्टर उनको चेकअप कर रहे हैं। जी जी, ये भी हंगर स्ट्राइक पे थे, इसका लक्की जी हैं। डॉक्टरों ने कहा इनको जितनी जल्दी हो सके यहाँ GMC रेफर किया जाए, वहीं पर सांबा में रेफर। जी जी, सांबा वालों ने ही रेफर किया। देखिए, प्रशासन ने आंखों पे पट्टी बांध ली हुई है, पता नहीं किसका दबाव है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जो ये हालात लग रहे हैं ये लोगों को, मुझे लगा ये कुछ ना कुछ लोगों की शहीदियां लेके ही सांस लेंगे, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। इस समय रघुवीर सिंह भाऊ भी हमारे साथ है। रघुवीर जी, पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो बैठे थे भूख हड़ताल पे, उनमें से एक की तबीयत खराब हो गई, क्या प्रशासन को नहीं वो चीजें दिख रही, यहाँ पर क्या हालात हो गए हैं? देखिए रश्मि जी, हमारे साथ हो रहा है सौतेला व्यवहार, जैसे हम कोई पाकिस्तान से डिपोर्ट हुए हैं ना यहाँ पे, ऐसा व्यवहार मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में कैदी है जेल में उनका भी अच्छा व्यवहार होता है जो हमारे साथ व्यवहार किया इन्होंने। आज अगर हमारे लड़के भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कोई जेनुइन डिमांड है, कोई अपने लिए घर नहीं मांग रहा, अपने लिए पेंशन नहीं मांग रहा, अपनी जेब नहीं भर रहे, कोई पैसा नहीं मांग रहा गवर्नमेंट से, यही बोल रहे हैं, अगर रोड नहीं है तो टोल क्यों है, यही डिमांड अगर 8-10 दिन से चल रही है तो उनके कानों पे जो क्यों नहीं रेंग रही, ये इसी चीज का वेट कर रहे हैं। तो अभी भी लिया जा रहा है धरने से, तानाशाही है ना ये इसी चीज का वेट कर रहे हैं हम, कोई ऐसे मिस हैपनिंग हो, अगर मैं बता दूं आपके चैनल के, अगर हमारे लड़के को कुछ होता है तो ईंट की ईंट बजा के रख देगी गवर्नमेंट की, पूरा जम्मू कश्मीर चलेगा। कल जब हम गए थे सांबा में, एक लड़के की कल से तबीयत खराब थी, पर वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी थे, पुलिस भी थी, क्या उन्होंने दिखा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है? ये खाना बदोशी करने आते हैं, किसी को इस चीज को कोई सीरियसली नहीं ले रहा, ये मैं सीधा बोल दूंगा कि ये पीछे माफिया बैठा है जिसकी जेब में ये टोल का कमीशन जाता है, ये उनकी दबाव है जो अभी तक टोल चल रहा है, बाकी टोल का होना कोई रीजन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे NHI की टीम आके देखे, हम लोग अंधे थोड़ी हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन रोज सांबा कठुआ से अप डाउन करता है ये इसको दिखता नहीं है? पर कल से तो दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, हमने देखा कल वहाँ जाकर, ऐसे तो हालत खाली खस्ता थी, पर कल से हमने देखा सड़कों में बड़ी साफ सफाई और दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ये वही कहते हैं ना कि हमको झूठा साबित करना चाहते हैं ये, किसी ना किसी तरह ये दिखाना चाहते हैं, ये लोग बेवकूफ़ हैं जो बोल रहे हैं, जो बात निकाल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, टोल की ऐसे अभी दुल्हन की तरह सजा रहे हैं, लेकिन है क्या उसमें, आप देख रहे हैं ना, हम लोग इसको रोज डेली रूटीन में यूज करते हैं, अभी क्या मतलब है इनका, ये हम बेवकूफ़ हैं जो आवाज़ उठाई हम लोगों ने अपनी जनता के लिए, हम लोग यहाँ से रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, जेले जा रहे हैं हमारे लोग, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, हम बेवकूफ़ हैं, ये हम लोगों को झूठे साबित करना चाहते हैं। अभी अभी क्या बताइए उनकी हालत, कैसे बता रहे? उनकी हालत में अब क्रिटिकल है, सांबा से आए हैं इमरजेंसी लेके, उनको रेफर किया, पहले सांबा दिखाया, वहाँ से रेफर किया इनको, वहाँ से रेफर करके जम्मू लाया गया है, अभी चेकअप चल रहा है उनका, तो अभी फिलहाल तो सुधार कोई नहीं दिखता सेहत में, और अगर तो उस लड़के को कुछ होता है तो जम्मू कश्मीर पूरे का पूरा जलेगा। साफ तौर पर हम प्रार्थना करते हैं जो भाई जो अंदर भी समय सीरियस उनकी गंभीर अवस्था, वो जल्द से जल्द ठीक हो, अन्यथा युवा राजपूत सभा के सदस्य साफ तौर पर कहा अगर उस भाई को कुछ भी होता है तो पूरा जम्मू कश्मीर में ये आग जो फैलती नजर आएगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, क्या आखिर कहाँ सोया है प्रशासन और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो है, कहाँ सोए हैं, कहाँ है नेतागण के लोगों की जान पर बनाई और आप मजे से बैठे हुए हैं? जरूर इस वीडियो में अपने कमेंट में सुझाव दीजिए, इस वीडियो को जितना शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे मर्दा के लिए अपडेट के लिए। जय हिंद।